ग्रीटिंग्स मालवी फैमिली, कैसे कैसे आज मुझे मतलब समझ में आया वी का मतलब क्या है। असली मतलब है विक्टिम फैमिली, मतलब सब कुछ फॉर्चुनेट हो रहा है। वी से हमने नाम रखना शुरू किया, उनका भी वी, हमारा वी, हमारा बढ़िया विक्टिम फैमिली। करेक्ट, बड़ा सही सीक्वेंस बन रहा है। और वी हम दोनों, हाँ ये तो है, ये तो है। देखो एक चीज, सबसे पहली चीज जो मैं बता रहा हूँ, ओके, ये है जो विक्टिम फैमिली जो है ना, वो दातो श्री ने 25 साल लग के जो टीम बनाई है ना, उससे भी बहुत बड़ी है, उससे भी ज्यादा इम्पैक्टफुल है और उससे भी ज्यादा बिजनेस में एक्टिव है। एग्जैक्टली, क्योंकि क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें जो हमने बताई है ना, वो तो मैं बता रहा हूँ जो हमारे वीडियोस रिलीज हुए ना उसके बाद, एक्चुअली मैं ना बहुत लोगों को यही समझ में आया कि भाई ये सारी चीजें अपलाइन ने तो कभी बताई ही नहीं, कभी नहीं बताई। आज का किस्सा बताऊं, एक पर्सन आया मेरे पास रिफंड के लिए, उसका अपलाइन उसे कहता है कि कोई सर आएंगे वो आपको बताएंगे, मुझे पता ही नहीं रिफंड के बारे में। ये रियलिटी है और ये बकवास करने आते हैं। चलो ये तो डिस्कशन करेंगे, आज का मेन जो मोटिव है हमारी वीडियो का, उसके पीछे जो जयपुर में अरेस्ट हुआ, मणिपुर में प्रेस मीट, ठीक है, और आप लोगों के सवाल। बहुत सारे लोग हैं जो सर फोन नंबर दे दो बात करनी है, फोन नंबर दे दो बात करनी है, पॉसिबल नहीं हो पाता पर्सनली, बट जब लाइव आता हूं, जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम दोनों को एक्सपीरियंस है, हो सकता है मेरे को कोई सवालों के जवाब ना पता हो, तो ये सामने बैठे ये भी एक्सपीरियंस्ड है, तो हम आपको आंसर देंगे। तो प्लीज यहाँ पे आके क्वेरी को पूछो, इसलिए लाइव में आके अपने क्वेश्चंस को पूछो, आंसर सभी के लिए हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं, क्वेश्चंस आप लोग टाइप करते रहना, ठीक है। तो सबसे पहला डिस्कशन हम उस पे स्टार्ट करें, जयपुर वाले पे। हाँ जयपुर वाले पे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आज कुछ चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं। जयपुर में जो अपलाइन सबसे बड़े पकड़े गए हैं विनोद करके, विनोद कुमार नाम है उनका, विनोद कुमार सहारण, उसका नाम जो है एक्चुअली में, उसका एक्चुअल नाम है विनोद सहारण। वो कुमार एक्चुअली में इन लोगों ने ना अपने रजिस्ट्रेशन में लगाते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो हरियाणा वाला जो एरिया रहता है ना, वहां पे एक्चुअली में जो लोग है ना उतने ज्यादा लिटरेट नहीं है, ओके। तो और वहां पे क्या होता है ना, एक्चुअली कास्ट बेस्ड चीजें बहुत चीजें होती है, खाप पंचायत होते हैं, तो इसलिए लोग ना अपने सरनेम्स को ना मतलब छुपाते हैं। अब जैसे विनोद है, विनोद का एक्चुअल नाम है विनोद सहारण, बट उसने पोर्टल में अपना नाम रखा है विनोद कुमार, राइट। तो उससे क्या होता है ना, कास्ट वास्ट छुपाने में काफी काम आता है उनको, ताकि उनको काम मिल सके, है ना, क्योंकि जात पात वाली काफी सारी चीजें आती है, इसलिए उन लोगों ने अपना नाम भी उल्टा सीधा बता रखा है। अब जैसे उसमें प्रेम सरगना, बट प्रेम सरगना नाम नहीं है उसका, उसका नाम कुछ और है, और आज मैं वही खुलासा करूंगा। तो तैयार हैं आप लोग आज खुलासे को देखने के लिए? किसी के क्वेश्चन से तो प्लीज जल्दी पूछ लो। हाय सेवियर, गुड्डू जी हाय, हाय सेवियर, कैसे हो? मोहित जी बोल रहे हैं, आज क्यूनेट कंपनी मतलब कस्टमर केयर बोल रहा है कि रिफंड स्टार्ट हो गए हैं। मोहित जी, रिफंड अगर स्टार्ट हो गए, ऐसी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, स्टिल जो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन था उससे रिफंड आने शुरू हो गए, 10-12 लोगों के रिफंड आ चुके हैं, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं कुछ दिनों से बिजी था, अभी फिर से ट्रैक करके मैं जल्दी बता दूंगा आपको। मोहन जी कह रहे हैं फरीदाबाद टीम को एक्सपोज करना सर। मोहन जी आप लाइव क्यों नहीं आ रहे? और मैं बाकियों से ही बोलना चाहता हूँ, लाइव प्लान करके बाद में मना कर देते हो, ऐसा क्यों हो रहा है? टाइम का इशू है तो क्लियर करो, फिर कुछ नया प्लान करते हैं। मैं स्टेटस में भी डाल देता हूँ, टाइम का इशू नहीं है एक्चुअली में, क्या है ना, लोग अभी भी थोड़ा ना अपने अपलाइन से आज भी डर रहे हैं कि मेरा वीडियो देख लिया, मेरी आवाज पहचान गए या कुछ कर लिया, अरे मेरा अपलाइन मेरे को तो खा जाएगा। कुछ नहीं कर सकता आपका अपलाइन आपके अगेंस्ट यार, आप कब तक स्लेवरी में जियोगे, कब तक जीना है ये तो बता दो। नहीं मेरे को लोग बोलते हैं फेस ब्लर कर दो, ये कर दो, वो यार कर दूंगा, चलो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कनेक्टिविटी फील नहीं होती। आप उस चीज को देखो, डर रहे हो वो चीज। यहाँ जो इन्होंने फेस मास्क लगाया है जो हमारे सामने, ये कुछ पर्पस है,
ये हमने मॉन्स्टर और वो सब दिखाने का पर्पज है। थोड़ा टाइम बाद मैं भी एक वीडियो में ये सब करने वाला हूँ, ये सब चीजें भी स्टार्ट होंगी, बट आप लोगों के जो एक्चुअल रियलिटी जो दिल से निकलनी चाहिए ना, वो लोगों को कनेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट, तब जाके ये मोटिव पूरा होगा। अभी जो शुरू किया है #banMLM के कॉन्सेप्ट को, शुरू करने का पर्पज सिर्फ इतना था, सिर्फ क्यूनेट नहीं, बाकी कंपनीज में भी दिक्कत हो रही है, सेम सिस्टम्स में बाकी में भी दिक्कत हो रही है। कभी आपने देखा आप कोई सामान लेने किसी शॉप पे गए हो, ठीक है, वहां पे जो आपने प्राइस देखा होगा थोड़ा बहुत बार्गेन करके आप लेके आए होगे, कभी जाके चिल्लाया स्कैम 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 फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड? कभी नहीं, नॉर्मल शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग। बट MLM सिस्टम में एक्चुअली गलती हो रही है, प्राइस ओवर है, ये है वो है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इशू क्या है, वो मुद्दे को आज भी लोग नहीं समझ पा रहे। मुद्दा ये, हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। अगर YouTube का क्राइटेरिया है कि अगर आपको चैनल को मोनेटाइज करना है तो मिनिमम 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4,000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए, तो ये हमें पता है उतना पूरा करना पड़ेगा। ये हमारे साथ फ्रॉड स्कैम नहीं हुआ। उसके बाद हम कोशिश करते हैं यूट्यूब चलाने की और वो नहीं चलता, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दिक्कत हो रही है, हम उसको प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। बट क्यूनेट हो या और कोई कंपनी हो, जैसे बहुत सारे लोग कमेंट में रेंस ग्लोबल डालते हैं, कभी कभी लोगों ने वेस्टीज भी डाला, किसी ने DBS और डाला, कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स भरे हुए हैं नए नए तरीके के। आज किसी ने वी बिलीवर के नाम से मुझे एक कमेंट डाला, मैं उस पर भी अब रिसर्च करूंगा। प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिलना और सिर्फ सपने दिखाना कि जस्ट बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस है, ये है वो है, 100 चीज, ये बिजनेस नहीं होता। इसी चीज को बंद करने के लिए MLM को बंद करना जरूरी है। एक टाइम पे करेक्ट, मैं भी MLM को फेवर करता था, बट उस चीज को मेरे को बदलने की कोशिश करनी पड़ रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब तक इसको रोका नहीं जाएगा, ये सिस्टम जो चोरी चकारी चल रही है बंद नहीं होगी। इसके लिए पूरे MLM सिस्टम को रोकना पड़ेगा, चाहे वो 6 महीने के लिए रुके, करेक्ट। बट इस सिस्टम को रोकना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, हाँ आप प्लीज उसको दिखा मैं दीजिए। थोड़ा स्पीड में दिखाऊंगा। ओके, ठीक है ठीक है। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, रुको। हाँ, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। वीडियो तो फिर भी ठीक है, क्लियर दिख रही है, बट वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, अभी मेरी आवाज आ रही है? ठीक आपकी तो आ रही है, है, लैपटॉप से नहीं आ रही? अब आ रही आवाज? नहीं, लैपटॉप की वॉइस नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, थोड़ा वीडियो चलने दो, वीडियो चलने। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। सजिता जी बोल रहे हैं कि हाय, आई सेंट यू एन ईमेल टुडे। हाँ, जिस चलो आप पहले ये क्लियर कर दो, आप वीडियो पहले क्लियर। पहले वीडियो। नहीं अच्छा देखो, उसके किसी का पापा को भगाया, आप देखो मर्सिडीज के शोरूम से। ये देखो,
देखा आपने, जो व्यक्ति 4 से 5 साल मेहनत करके सब कुछ करके है ना मर्सिडीज खरीद लेता है, मतलब बिजनेस के बी पॉइंट पे पहुंच गया, ये बंदा बी पॉइंट में जाके इसने अपना घर भी बना लिया, सब कुछ बना लिया, एकदम सेटल हो गया। आज के समय क्या दूरदर्शा चल रही है वो तो सबने देखा। मैं थोड़ा वीडियोस में थोड़ा आपको ब्रेक डाउन करके कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो स्टार्टिंग में जो वीडियो है ना, ये जो व्यक्ति है ये है विनोद सहारन के पिताजी, ठीक है। और इसके बाद वही है, स्टार्टिंग में वही दिखा रहे थे कि उसके पापा वही ट्रेडिशनल कपड़े हरियाणवी कपड़े पहन के मर्सिडीज के शोरूम के वहां जाते हैं और क्या होता है उसको वहां से भगा दिया जाता है। फिर विनोद सहारन भाई साहब क्यूनेट के पैसों के दम पे सब खरीद के दिखाए, ये रहा विनोद सहारन। ओके, अब इसके बाद देखो आप एक चीज, ये विनोद सहारन की पूरी फैमिली है, इसके माता पिता है लेफ्ट साइड में, उसके राइट साइड में उसकी वाइफ है और इसकी बेटी है और उसका बेटा है। अब मैं वही बताना चाहता हूं कि उन बच्चों को पता भी था उसके फादर क्या काम कर रहे हैं, क्या उसकी उसकी वाइफ को पता था क्या काम कर रहा है विनोद, क्या उसके माता पिता को भी पता था विनोद किस टाइप का धंधा कर रहा है? आंसर है नहीं, उनको नहीं पता था क्या चल रहा है, उनको उस चीज का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि विनोद कितने बड़े, मतलब जो बोलते ना, मतलब बोलना ही पड़ेगा मेरे को वो शब्द, धोखाधड़ी कर रहा था, राइट? क्योंकि अब पुलिस ने पकड़ा वो तो पुलिस ने, वो तो पुलिस ने भी यही बोली है। हाँ पुलिस, अब मैं तो सारी चीजें जो कोर्ट कर रहा हूँ वो जो पुलिस वालों ने बोला है, प्रेस रिलीज में वही सारी चीजें बोलूंगा मैं, क्योंकि छोटी मोटी चीज नहीं है डीसीपी नॉर्थ का बोलना स्टेटमेंट। करेक्ट, अब डीसीपी नॉर्थ अगर इस चीज को बोल रही है कि क्यूनेट बैंड है इंडिया में, तो कितना बड़ा अपने आप में खुलासा है कि हम लोग एक बैंड बिजनेस के साथ इन्वॉल्व थे काफी टाइम तक, राइट? और बैंड होते हुए भी अब आप देखो क्यूनेट ने सिंगल हैंडेडली के तो 6 लोगों की पूरी फैमिली बर्बाद कर दी। अभी एक मजे की बात बताना चाहता हूँ, इसी में एक मजे की बात बताना चाहता हूँ। एक विक्टिम है जो मेरे टच में है, उनका भाई है राजस्थान पुलिस में, मतलब जयपुर पुलिस में, उसी ने इस टीम को पकड़ा है। करेक्ट, तो मैंने रिक्वेस्ट करी है लाइव आने के लिए, देखो होप्स अगर बात बन जाए तो। करेक्ट, अब और मिलेगी सामने। अब ये जो सबसे आगे जो खड़ा है ना, ये जो येलो कलर का शर्ट पहना है, ये व्यक्ति, ये नवी सिंह है। इसको जूम कर सकते हो? ये तो एक्चुअली में वीडियो ही है, अगर मैं दिखाऊं, रुको स्क्रीनशॉट लेके। ये जो व्यक्ति है ये नवी सिंह है, ये ओके, ये जो है ये नवी सिंह है, और ये जो शर्ट पहना है येलो, ये नवी सिंह है। ये अभी तो रोहतक वाली जो टीम में जो पिटाई हुई थी ना, चाकू वाकू चले थे, अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसी की तो टीम है ये। ओके, ये विनोद सहारन का बहुत बड़ा डाउनलाइन है। तो ये हरियाणा से जयपुर की तरफ भागे हैं सारे? हाँ हरियाणा से जयपुर की तरफ भाग गए, देखो इतने खुश है ये लोग। कनेक्टेड तो है, बहुत सारे विक्टिम मेरे पास आए हैं जो हरियाणा के हैं और जयपुर में फंसे हुए हैं, बहुत सारे विक्टिम आए हैं, कनेक्टेड तो है सारे। ये देखो मेरा अपलाइन, एक सेकंड, मुंबई आया हुआ आजकल आपका अपलाइन। ये देखो ये लेफ्ट में जो है ये विनोद का रेफरर है, अच्छा, इसका नाम है देशराज। फिर ये रहा राजीव कुमार, ये रहा हर्षवर्धन, और ये रहा मनीष सिंह राजपूत, सब केक खिला रहे हैं। राजीव कुमार की रिसेंट वीडियो देखी मैंने, मुझे किसी ने भेजी थी, एक भेजी थी किसी ने मुझे, जब से ये वहां से आए ना दुबई वगैरह से, हाँ, चेहरा बहुत डल है इनका। हाँ डल तो रहेगा ना, क्योंकि अब पुलिस वाले दिख रहे हैं ना ड्रीम लिस्ट में, ड्रीम लिस्ट में पुलिस वाले दिख रहे हैं। येलो डायरी पे जेल जाना तो नहीं लिखा था इन्होंने? हाँ वो भी सकता है लिखा हो, क्या पता। अफर्मेशन, हाँ इन लोगों ने अफर्म कर लिया होगा गलती से। जब से हम लोगों के वीडियोस आए ना, तब से ये लोग, मेरे को लगता है वही सीक्रेट लगा दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा दिया पुलिस का, है ना, अब जा रहे सब जेल, ठीक है। अब ये जो टीम है ये मुंबई से भी आई है, देखो ये जो सरदार जी है ये हैप्पी है। हाँ
मणिपुर में भी बहुत तगड़ा प्रेस रिलीज किया है, मणिपुर वाली जो टीम है ना मोस्ट प्रोबेबली ये प्रदीप सिंह रावत की टीम है। हाँ ये नोएडा से ऑपरेट कर रही है मणिपुर, ये प्रदीप, ये सुमन पॉल, सुमन पॉल, दत्ता तामुली और प्रदीप सिंह रावत, इन चार लोगों की टीम होगी। एक फीमेल ने मुझे अप्रोच किया था जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी ना, हाँ, तो सबसे पहली जो इस विक्टिम ने मुझे अप्रोच किया था उसका रिफंड तो नहीं मिल पाया, आसाम से थी, नोएडा से ऑपरेट हो रही थी उसकी टीम भी, आसाम से थी ना वो, नहीं 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 वो थी मणिपुर से ही वो। अच्छा मणिपुर, ओके ओके। तो काफी पुअर फैमिली, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सारी चल रही है और उसका कम से कम 1,80,000 रुपए चला गया। अरे बाप, और वो नोएडा आई थी इसी काम के चक्कर में, हाँ, वो सारे गायब हो गए यहाँ से। ये जो ग्रीन पगड़ी में जो सरदार है ना, यही तो मेरा एक, मतलब मनीष का डाउनलाइन और मेरा एक बहुत बड़ा अपलाइन है ये, हैप्पी हरप्रीत सिंह, मैंने इसका भी वीडियो निकाला था। ठीक है, ये देखो सारे बैंड एमएलएम कंपनी चलाने वाले सारे बड़े बड़े अपलाइंस एक साथ। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ फोटोज। ठीक है, इसमें थोड़ा हम लोग थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, बूस्ट हो जाएगी। पता है दिक्कत क्या हो रही है, जो सपोर्ट चाहिए ना लोगों से उस लेवल का विक्टिम्स का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। मैं मिलेगा मिलेगा, हमें बस टाइटल करने की जरूरत है, वो होपफुल मैं भी हूँ उस चीज को लेके। बट ये बंदा है, बताता हूँ मैं पूरी बात, ये देख लो, ये बंदा है देशराज ख्यालिया जो लेफ्ट में, जो अभी वीडियो में दिखाया था पहला, देशराज ख्यालिया ने ही इसको रेफर किया था विनोद सारन को। और ये रही कृति जायसवाल, ये रहा प्राणेश्वर प्रसाद, और पीछे ये जो बैठा है ये आनंदू है। अच्छा। और ये रहा दिग्गी राजा, ये मैंने भी देखा था सारे वीडियो देखे थे। अभी सचिन गुप्ता भी इसको लेके गाली पका होगा, साले तू भी वीडियो देखता है। ये रहा विनोद सारन, ये ओके, ये विनोद सारन, ये रहा देखो सब, 5 साल में कहाँ जाओगे, जेल ही जाओगे और कहाँ जाओगे। ये देखो मर्सिडीज, ये गाड़ी का नंबर, ये देखो अभी इसकी ये मर्सिडीज सीज हो गई है। हाँ, ये जिस पॉकेट में हाथ डाल के, ये देखो सोने की घड़ी, ये भी जब्त हो गई है। जिस पॉकेट में भी हाथ डाल के आईफोन चला रहा होगा वो भी जेल चली गई, सब चला गया एक ही बार। ये फिर इसका जो नेम जो बोले ना प्रेमानंद सरगना, उसका नाम है एक्चुअली में प्रेम सांगवान, वो ये है, इस बंदे का नाम है प्रेम सांगवान। और मेरे को तो यहाँ भी पता चला ये बंदा ना इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व्ड है। ओह माय गॉड, क्योंकि इसमें मेरे कुछ फॉरेन फ्रेंड्स को भी इसने किया था, अप्रोच किया था, बोला था कुछ कैश भेज रहा हूँ उसमें से आप अपना कमीशन रख लेना, बाकी पूरा व्हाइट करवा के इंडिया वापस भेज देना। ये देखो तुम्हारे अपलाइन बोल रहे होंगे ना कि चलो चलो वीकॉन, चलो 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 वीकॉन, चलो दांतों से मिलेंगे, अरे पद्मन सिनाती राजा चीफ से मिलेंगे। ये बंदा चीफ से मिला और क्या बोल, चीफ से एक बार मिल लिया ना तो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, ये मिलने के बाद सोचो जेल चला गया तो क्या मतलब रहा, सारी उम्र जोकर बन के रह गया, खत्म। सारी उम्र अब जोकर ही बन के रह चला गया, चीफ को कोई जानता भी नहीं है क्यूनट के अलावा। हाँ सोचो, वेस्टइंडीज में सोनू शर्मा है, ठीक है, उसको पता नहीं कितने जानते होंगे, चीफ को कोई नहीं जानता, चीफ को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई भाव भी नहीं देता। अब देखो ये चीफ ने जैसे ही इसको हाथ लगाया, जैसे ही हाथ दिया, ये एनर्जी इसी बाजू से ट्रांसफर होके चली गई और ये बंदा जेल चला गया, खत्म। यार देशराज ख्यालिया भगवान को याद कर रहा था, भगवान ने अफर्मेशन, हाँ अफर्मेशन हो गया, भगवान मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता, इफ आई एम क्यूट देन अरेस्ट मी, बचाले यार। ये देखो ठाट जमा रहे, देखो
ओहो, एक फोन जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वायर नहीं लगा है, ये देखो उसमें भाई साहब फोन मंगा रहे, किसी से बात कर रहे। अरे तो यार आप क्या बात कर रहे हो, एक बात सोचो ना, इनके पास इतना पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं, सैटेलाइट कनेक्शन फोन है ये। अरे अरे फोन तो कनेक्ट होने तो किसी चीज से, अरे यहाँ से इनकी अलग से सैटेलाइट जाती है, इसरो के थ्रू, जैसे क्यूनेट का प्लेन आया ना, ऐसे क्यूनेट की सैटेलाइट भी आई है इसरो के थ्रू, तो उससे कनेक्शन हो रहा है। करेक्ट। ये देखो ये गया था, वीकॉन भी गया था, ये देखो प्रूफ कि ये वीकॉन गया। अच्छा अब देखो, आप जब बिजनेस शुरू करते हो साहिल भाई, आपका प्लान आपको क्या बोलता है, 100 दिन में 20 डीआर मारो, 20 डीआर इन 100 डेज। ठीक है, चीज दिखाता हूं मैं। अच्छा चलो ठीक है, गौर से देखिए इस स्क्रीनशॉट को, ये रहा विनोद कुमार, ठीक है, उसका पे रैंक है सफाया स्टार, टाइटल रैंक है सफाया स्टार, ठीक है। अब इस बंदे ने 20 डीआर मारे होंगे ना यार, सफाया स्टार हो, इतना अच्छा मोटा तगड़ा पैसा कमा रहे हो, लीडर हो, तो 20 डीआर मारने चाहिए ना। चलो तुम्हें दिखाता हूं सच्चाई, उसने सिर्फ 5 डीआर मारे, सिर्फ 5, नाम भी देख लो सारे के सारे। ओह माय गॉड, रिजवान, गौरव, सुरेंद्र, चंद्रशेखर चौधरी, खत्म। तो सचिन गुप्ता जी ने बोला नहीं 20 डीआर नहीं है तेरे, तू यहाँ कैसे आ गया? मैं अपने लाइफ में, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ एक चीज, बिजनेस ना मेहनत से बिल्ड नहीं होता है, सिर्फ लक से बिल्ड होता है। अगर आपके खोटे सिक्के चल गए तो चल गए, नहीं तो आप बर्बाद हो इस धंधे में। और लव और जो लक होता है ना, लक वो जो चीज होती है ना, उसका ना एक वैलिडिटी पीरियड होता है, वो कुछ टाइम तक ही चला। अब जैसे कि आप देख रहे हो विनोद सहारन के लाइफ में, उसका लक जो बिजनेस में आके चला, वो सिर्फ 5 से 6 साल ही चल पाया ना। बाद में क्या हुआ, जेल गया ना, और साथ में उसने अपने सारे डाउनलाइंस को भी जेल लेके चला गया। सोचो वो डाउनलाइन, जो बंदा अभी 1 हफ्ता हुआ होगा साइन अप कर अभी लॉकअप में बैठा है, उसकी क्या गलती रही होगी। और मैं एक चीज बता रहा हूं, देखो हम वर्ल्ड में कहीं भी देखते, जैसे कोई बिजनेसमैन अगर मान लो कोई स्कैम करता, उसको एटलीस्ट लोग डिफेंड भी करते हैं कुछ लोग। कोई पॉलिटिशियन, आज के टाइम में पॉलिटिशियन बहुत जेल जा रहे हैं, उनको उनकी पार्टी एटलीस्ट बचाने आती है, उनके लिए मतलब जो है हर चीज बोलती भी है, फैक्ट्स रखती है कि नहीं ये गलत कर रही है। क्यूनेट का स्टेटमेंट ही नहीं है, क्यूनेट का स्टेटमेंट छोड़ो, चीफ का स्टेटमेंट नहीं, दांतों का स्टेटमेंट नहीं, वो भी छोड़ो, स्टेटमेंट आया था चीफ का, एक स्टेटमेंट आया था 2014 में, हाँ, जब ठगी में एलिगेशन स्टार्ट होता है इंडिया पे, हाँ, तो 14 में आया था, वी आर विद यू, हम इंडिया के साथ हैं, ये वो। उसके बाद इतने एलिगेशन, इतने केस, पुलिस स्टेटमेंट दे रही है बैठ के वहां पे, इनको कोई शर्म ही नहीं है, शर्म ही नहीं है, साइन अप किए जाओ। करेक्ट। और दातों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, दातों दे दिए, कोई स्टेटमेंट नहीं दी। दातों को ये लोग कहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाते हैं, मोदी जी के साथ बैठते हैं जिनेवा में, ये वो, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि पर्सनल बातचीत नहीं है। करेक्ट। वो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि क्यूनेट बैंड है इंडिया में। अब डीसीपी नॉर्थ बोल रही है कि क्यूनेट बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग नाम चेंज कर करके कर रहे थे, ये लोग स्कैम ही तो रन कर रहे थे ना। और बाद में एक और चीज सोचो ना, सचिन गुप्ता ने इसके डिफेंस में कुछ नहीं बोला, कविता माँ, जिनको कविता माँ बुलाते है लोग, हाँ, वो माँ इनको बचाने नहीं आई। कृति जायसवाल भी बचाने नहीं आई, प्राणेश्वर प्रसाद श्याम भी बचाने नहीं आया, अरे राजीव कुमार तक बचाने नहीं आया इसको। जयपुर में इतनी बड़ी टीम है, राजीव कनौजिया, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी ना जिसमें लिखा था, हाँ, मैंने एक लीक वाली सीन, वो बंदा जयपुर में वो कर रहा था इसको ऑपरेट, वो बंदा, हाँ, भी नहीं, हाँ, वो बंदा आजकल इंदौर बैठा है। मेरी वो वीडियो आप देख सकते हो, राजीव कनौजिया, मतलब वो मैंने लिखी थी कि थैंक्स टू सब्सक्राइबर जूम मीटिंग लीड, उसमें पर्सन, हाँ, था ट्रेनिंग लेने वाला, तो वो पर्सन इस टाइम इंदौर में ऑपरेट कर रहा है। उसके काफी सारे प्लान्स की फोटो है मेरे पास, जो प्लान ले रहा है वहां पे भोपाल इंदौर में, तो सतर्क हो जाओ एमपी वालों, आपकी टीम बन रही है वहां पे। अब ये देखो इन लोगों का टैक्स इनवॉइस आया है ना, इसमें दिखा रहा है कि देखो इसने कितना, 8 लाख
समथिंग पैसा कमाया उसने, है ना। अब जिस बंदे ने ये जो निकाला है ना, उसने देखो नीचे क्या लिखा है, दिस प्रूफ ऑफ टैक्स रिटर्न्स आई रिसीव्ड इट्स फेक नॉट एन इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट। तो आपको जो वो लोग प्रूफ दिखाते हैं ना कि हमने इतना पैसा कमा लिया, हम तो करोड़पति हैं, हफ्ते का महीने का 40 लाख रुपए कमाते हैं हम लोग, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, सब फेक है। वो लोग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको झूठ बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी ये लोग सारी चीजें बना बना के लाते, दिखाते नहीं डॉक्यूमेंट्स। पहली चीज मैंने ना कई बार क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज, मैंने स्पेशली कोलकाता साइड ये हुआ, मैंने लोगों से पूछा कि मेरे को ना बिल दिखाओ, जब मेरे से बोलते हैं रिफंड करा दो सर, मैंने कहा सबसे पहले शो मी योर बिल, उनके पास बिल नहीं होते, वो जिद करके अपने अपलाइन से मांगता है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ, अपलाइन ने कहा जूम मीटिंग पे आ जा, जूम पे बिल दिखाया। अब उसने क्या किया, उसको स्क्रीनशॉट किस तरीके से ले लिया, ठीक है, और मैंने कहा आप इसको क्यूनेट से कंफर्म कर, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी थी उसमें, वो था बिल था 19 सितंबर का, ठीक है। क्यूनेट ने कहा कोई परचेसिंग ही नहीं है 19 सितंबर की। अरे बाप रे, अब जस्ट इमेजिन कितना फेकनेस चल रही है। फेकनेस मैं तो बोलो ना, बहुत सारे ये लोग जो साइन अप मारते हैं ना, हॉट साइन अप, आधे से ज्यादा पैसे लोग अपने जेब में डाले थे, परचेसिंग करते नहीं है। अभी मेरे को दो इंटरेस्टिंग किस्से याद आए इसी से, अभी जो टॉपिक चल रहा है मेरे पास ना, भी रिसेंटली ये मैं वीडियो बनाने वाला था, अभी लाइव में बोलता हूँ फिर वीडियो बनाऊंगा इसकी प्रॉपरली। दो जने आए रिसेंटली, एक जिसका मैंने शॉर्ट बनाया था, जिसने गाली गलौज मुझे की थी कि 10 महीने मैंने थार ले ली, ठीक है। अब वो बंदा मुझसे कहता है कि मेरे 1 लाख रुपए, आज ही मैंने उसका मैसेज पढ़ा, 1 लाख रुपए मेरे डूब गए, सॉरी सर प्लीज मेरा रिफंड करा दो। और कुछ दिन पहले मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है, जिससे मैंने अप्लायंस के 5-6 नाम निकलवाए थे कि ये मेरे अप्लायंस है, और मुझे धमका रहा था, ये बहुत चीज ऐसे गंदी, इतनी गंदी गालियां कि मैं भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। करेक्ट करेक्ट, मैंने इसे बड़े प्यार से बात करी क्योंकि मुझे समझ में आ गया था बच्चा सा है, ठीक है, मेरे को लगा है बच्चा है, छोड़ो इतना कोई इसका करियर खराब करने की जरूरत नहीं है, इतना मैं करूं तो क्यूनेट में तो कंप्लेंट मैंने कर दी, वो एक अलग मैटर है, बट समझने वाली बात है। अब उसके बाद दूसरा आया, वो मुझे कल कहता है कि मैंने तुम सर, पहले तो बड़े प्यार से बात करी, सर प्लीज ये क्यूनेट के ऊपर नेगेटिव वीडियोस मत बनाओ। मैंने कहा मुझे बता दे भाई कौन सी वीडियो मेरी नेगेटिव है, मुझे मेरा टाइम स्टैम्प दे दे वीडियो का। कह रहा सर आप वीडियो बना रहे हो, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो कहता, मैंने कहा कौन सा, कह रहा है वो दैनिक भास्कर वाला। मैंने कहा जिसमें तेरी क्यूनेट की ऐड आई हुई है, मैंने कहा वही सेम ऐड तुझे मैं 2019-17 की दिखा दूंगा, इसमें क्या है। मैंने कहा मुझे मेरी नेगेटिव वीडियोस का कंटेंट ला के दे, कहां पे मैंने क्यूनेट को गलत बोला, वो नहीं बोल पा। मैंने कहा तू कितने टाइम से काम कर रहा है, कह रहा है 1 साल से। मैंने कहा पहले प्लान के हिसाब से 50,000 तूने कमा लिया होगा, प्रोडक्ट तुझे मिला होगा, कह रहा हाँ कमा लिया, अभी भी कमा रहा हूँ। फिर बात बढ़ती गई। मैंने उसे कहा बेटा तू अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, तू छोड़ दे 1 साल वाला, अगर ऐसा है ना मुझे परचेज रिसिप्ट दिखा दे, मैं देख लूंगा डेट ऑफ परचेज क्या है, उससे पता लग जाएगा। तो चलो आपको क्यों दिखाऊं। मैंने कहा फिर मेरे सामने बोल मत, या तो अपनी बात को प्रूफ कर। कहता 1 हफ्ते पहले ज्वाइन किए। अभी बात यही है ना, हो क्या जाएगा इतने झूठ बोल के। करेक्ट, किसको झूठ बोल के, किसको, मतलब क्या करना चाह रहे हो। करेक्ट, मेरी बातों का जवाब नहीं तुम्हारे पास, अपनी बातों को प्रूफ करने का कोई सोर्स नहीं है तुम्हारे पास, क्या करना चाह रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो, अपने आप को या मेरे को या दुनिया को। करेक्ट, मेरी वीडियो तक अगर कोई भी आता है ना, प्रैक्टिकली मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो तक कोई आ रहा है वो सिर्फ आपकी बातों से कंपेयर करता है मेरी वीडियोस को। करेक्ट, मैंने कभी नहीं बोला क्यूनेट ये वो, क्यूनेट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना सिस्टम से, सिस्टम जो गलत चल रहा है। मैंने बोला कि आपको क्यूनेट का नाम नहीं बताया जाता, अप्लाइंस नाम नहीं बताएंगे आपको तो आप मेरी बात से रिलेट करोगे ना, और फिर जाके रिफंड मांगोगे। इतना तक बेसिक नहीं समझ पा रहे अप्लाइंस। अप्लाइंस कैसे बेसिक समझेंगे, पढ़े लिखे थोड़ी हैं, एजुकेशन पसंद थोड़ी है उनको। अगर आप उनको कोई टेक्निकल चीजें बताने लग जाओगे ना तो वो लोग ऐसे चांद तारे गिनने लग जाते हैं। वो लोग, मैंने तो बहुत बार देखा है, उनको थोड़ा टेक्निकल आप चीज घुसने लग जाते हो ना, उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं अप्लाइंस के, बता नहीं पाते, जवाब नहीं है।
अप्लायंस का ये हाल हो चुका है, मान लो ये किसी अच्छे प्रोफेशन से आ रहे, मान लो इंडियन नेवी से आ गए, आर्मी से आ गए, या कोई बड़े बड़े प्रोफेशन से आ गए, इतना जबरदस्त ब्रेन वॉश का ऊपर से सोर्स ऑफ सिस्टम है ना, कि वो अपनी जो फील्ड है ना उसको भूलने लग जाते हैं। करेक्ट, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप टेस्ट कर लेना, आप कोई भी जो डिफेंस का पर्सन अंदर इन्वॉल्व हो चुका है उससे बात करना, या कोई भी अच्छी फील्ड का अंदर एंट्री कर चुका है, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, कोई भी, वो इतना जबरदस्त ब्रेन वॉश हो चुका है ना, उसे अपनी फील्ड पसंद ही नहीं आती। करेक्ट, अपनी फील्ड से बोलना पड़ेगा ना, लगता है वो बोलना ही पड़ेगा उनको, पूरे टाइम गाली ही बकना पड़ेगा अपने प्रोफेशन को, क्योंकि अगर आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे तो लोग छोड़ेंगे ना। जब मैं था बिजनेस के अंदर, ऐसा एक सिस्टम नहीं था जिसमें राजीव ने आके मर्चेंट नेवी को गाली ना बकी हो, एक सिस्टम ऐसा नहीं था, एक ऐसा सिस्टम नहीं था कि जिसमें इंट्रोडक्शन में ही प्रतीक जायसवाल मर्चेंट नेवी को गाली बकना शुरू कर देता है, ऐसा एक सिस्टम आप नहीं देखोगे। मैं वही बोला, एक मैंने आज तक एक भी मीटिंग ऐसी अटेंड नहीं करी जिसमें मनीष सिंह राजपूत मर्चेंट नेवी को महावीर की गाली ना बक रहा हूं, वो ऐसा था, वो वैसा था, ये तो वहां से निकल चुके हैं ना। हाँ, निकल चुके हैं अब लोग, ये हाँ ये लोग क्या थे, ये लोग टॉप ऑफ दी चेन है ना, क्योंकि जब इन लोगों ने धंधा शुरू किया था तब बहुत कम मर्चेंट नेवी वाले थे, आज के टाइम में बहुत सारे मर्चेंट नेवी वाले इसमें फंसे हैं जिन लोगों का पैसा डूब गया है, और आज के चल के मेरे जैसे लोग वो बता रहे चीजें है ना मर्चेंट नेवी में जाके सारी चीजें, तो अब क्या है कि अब इनका भी मोनोपोली टूट रहा है, अब क्या करे भाई, ये तो अब सबको बता देंगे कि मर्चेंट नेवी में भी यही थे, और ये जो है राजीव कुमार, इन सब का फोटो मैंने वायरल कर दिया है सब जगह, तो आज इन लोगों को समझ रहे, आज ये फोन करते हैं सामने वाला समझ जाता है तू वही कर रहा है ना नेटवर्क मार्केटिंग। वैसे ये भी सुना, लोग तो क्यूनट बोलते हैं उनको। हाँ, क्यूनट बोल देते हैं डायरेक्ट। और एक और चीज पता है, मेरे साथ एक फनी इंसिडेंट हुआ, मस्क का एक शिप है, मस्क में एक थर्ड ऑफिसर है, वो मेरा बैचमेट है ना, तो उसको मैंने ये चीज बताई है ना, और ये 2 महीने पहले की थी जब मैंने नए नए वीडियोस डाले थे ना, वो सारे मैंने उसको भेजे, तो उसने मेरे को बाद में ना, जब मैंने उसको ये चीज बताई ना, उसके जस्ट 3 या 4 हफ्ते बाद उसने मेरे को एक वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग में वो बंदा बात कर रहा है, वो बंदा बोलता है कि वही सेम वही कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, ये सब कर रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ, वो सारी चीजें बता रहा था, फिर उसका बताया कि मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर मेरे दोस्त ने बोला अच्छा तू वही है ना तो जो राजीव कुमार के साथ बैठा रहता है दिन भर, तो वो बंदे का एटलीस्ट 10 से 15 सेकंड साइलेंट था एकदम, वो बोलता कौन राजीव कुमार, कौन राजीव कुमार, मैंने बोला वही जो प्रतीक जायसवाल का अपलाइन है, और फिर 10 से 15 सेकंड तक शांति थी, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बोले तू ये क्या नाम ले रहा है, ये कौन है, ये लोग मैं नहीं जानता इन लोगों को, बोले मुझे सब पता है बेटे, सब पता है, तू मेरे को स्कैम करने आया, बोले नहीं भाई मैं कोई स्कैम वैम नहीं कर रहा भाई, लेजिटिमेट बिजनेस है, मतलब मर्चेंट नेवी से ज्यादा कमा रहा हूँ, बोलता है, वो बोलता है उसको प्रूफ भेज, भेजना प्रूफ भेज, बोलता है हाँ हाँ भेजता हूँ भाई, कभी मिलते हैं, कभी बात करता है, मैं तुमको सारा प्रूफ दे रहा हूँ सारी चीजें, और फिर बोलता है अच्छा हाँ सीनियर बिजनेस पार्टनर का कॉल आ रहा है मैं अभी जाता हूँ, वो तक सुना मैंने। नहीं मैं सच में कोई कमा रहा है ना अगर पैसे, ठीक है, उनमें से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शो ऑफ करने की हैबिट होती है, चलो मैं पैसे शो ऑफ करना पड़ेगा, शो ऑफ करना ही पड़ेगा, उससे काम भी मिलता है, कई चीजें होती है, जैसे बॉलीवुड में बहुत सारे लोग शो ऑफ करते हैं, उनसे उनको डबल काम मिलता है, लोग पसंद करते हैं, ठीक है, आज के टाइम में यूट्यूबर्स बहुत शो ऑफ करते हैं कि देखो हमने करोड़ों कमाए, हमने स्पॉन्सरशिप ली, हमने ये लिया, हमने वो लिया, क्योंकि उनसे डबल काम मिलता है, ये चीजें करते, उनके पास आ रहा है पैसा तभी तो वो शो ऑफ कर रहे हैं। Correct. और इनकी पॉलिसी क्या है, हम दिखा नहीं सकते, ये पॉलिसी है भाई, कौन सी पॉलिसी है, कहां तुम्हारी ये पॉलिसी लिखी है। करेक्ट, क्यूनेट ने सिर्फ इतना कहा है कि आपको सही तरीके से काम करना है, और ये उसको भी प्रोसेस बताते हैं। कुछ क्वेश्चंस ले ले। हाँ, एक चीज मैं सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, आप लोग अपने क्वेश्चंस रेडी करो, इसके बाद क्वेश्चंस लेंगे। ये ऑडियो है मनीष सिंह राजपूत का, ठीक है, ओके, आपको सुनाता हूँ।
कोई बोलता नहीं मेरे को आज के डेट में, मेरा एक ही लाइन जाता सुन रहे, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, तेरे में हिम्मत है अपने सपनों के पीछे भागने के लिए? देखो मैंने बोला था मैं धंधा कर रहा हूँ, तू आगे प्रूफ कर दे कि मेरा धंधा लीगल नहीं है, मैं छोड़ दूंगा धंधा और तेरे पैसे वापस करूंगा। रुको एक सेकंड, किसी के पिछवाड़े में दम नहीं मेरे को ऐसे फालतू वीडियो भेजने, किसी के पिछवाड़े में कोई बोलता नहीं मेरे को आज के डेट में, मेरा एक ही लाइन जाता सुन रहे, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, तेरे में हिम्मत है अपने सपनों के पीछे भागने के लिए? देखो मैंने बोला था मैं धंधा कर रहा हूँ, तू आगे प्रूफ कर दे कि मेरा धंधा लीगल नहीं है, मैं छोड़ दूंगा धंधा और तेरे पैसे वापस करूंगा। क्या बोलना चाहते हो हाँ साहिल भाई, सुन के क्या क्या लगा आपको? गला खराब है बेटा, देखा लग तो ऐसा रहा इसको मेरी वीडियो मिल गई है। हाँ मिली है ना। और अभी ये खुद बोल रहा है ना, मैं मेरे को अगर प्रूफ कर दे कि धंधा लीगल नहीं है, है ना, तो मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। डीसीपी नॉर्थ क्या बोल रही है कि ये तो बैंड कंपनी है, तो तेरा धंधा तो लीगल ही नहीं है, अब सबके पैसे वापस कर। कोई ना कोई तो सोर्स होगा ना उनके पास, देखो ऐसे स्टेटमेंट वो ऐसे वैसे नहीं देंगी, ऐसे तो क्योंकि डीसीपी है वो, कोई छोटी मोटी पद पे नहीं है, डीसीपी है सीरियसली। और डीसीपी ने अगर बोला है ना कि ये कंपनी बैंड है, तो वो उन्होंने सच्ची में उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन करी होगी, उनको जब पता चला होगा कि क्यूनेट है, अरे तो बैंड है ना इंडिया में, मैंने आपको विकिपीडिया पे भी दिखाया था, इंडिया ने क्यूनेट को बैन कर रखा है। और उन्होंने यही बोला, जितनी बार इंडिया ने इनको बैन किया उतनी बार इन्होंने अपना नाम चेंज करके, उन्होंने बताया पहले इसका नाम था क्वेस्ट गोल्ड, फिर क्वेस्ट इंटरनेशनल बना, फिर ये क्यूनेट विहान के नाम से चल रहा है। तो मेरे को लगता है विहान भी बैन हो सकता है, हो सकता है। ईडी के इन्वेस्टिगेशन छापा पड़ा है जनवरी में, ठीक है, ऑलमोस्ट एक साल होने को आ गया है, अभी तक इनके अकाउंट खुले नहीं है। हर दिन बैठ के बोलते हैं अप्रैल से खोलेंगे, जुलाई से खोलेंगे, अगस्त में हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आया जो एफिडेविट वाला, उसमें भी जोर डाल, उसमें भी आप मतलब लोग ना लॉजिकल भी नहीं सोचते। सिंपल सी लैंग्वेज में एक लिखा हुआ है, इट हैज रिफंडेड योर अमाउंट, हैज रिफंडेड का मतलब तो पैसे चले गए ना, करेक्ट, और आपके पास तो आए नहीं, आप कैसे साइन कर सकते हो? करेक्ट। मान लो मैं आपकी प्रॉपर्टी ऐसी कोई भी एफिडेविट लेके साइन करवा दूं तो कर दूंगा यार कैसे? मतलब अपना लॉजिक्स लगाओ ना, मेरी जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए इसमें, जस्ट एक इंग्लिश को पढ़ना है, अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही अप्लाइंस से बोलो हिंदी में बनवा के दे। करेक्ट, सिंपल सिंपल है, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है अप्लाइंट को बोलो तेरे मेरे बीच की बात है, हमें एक एग्रीमेंट साइन करना है, तो मेरी लैंग्वेज बना के दे जो मुझे समझ में आ रहा है। कैसे साइन, आपको मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मैं पुलिस में नहीं हूं, मैं लॉयर नहीं हूं, ठीक है, मैंने अपनी एक स्टडीज करी है, पढ़ाई के बेसिस पे मुझे इंग्लिश आती है, इंग्लिश पढ़ने के बाद मुझे वो लैंग्वेज गलत लगी, सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक है। लोग मुझे एफिडेविट भेज रहे हैं, और सबसे मजे की बात सारे एफिडेविट सेम है, लैंग्वेज इधर उधर भी नहीं है। करेक्ट, मुझे लोग एफिडेविट भेजते हैं, मैं उसे पढ़ता भी नहीं, मैं कहता हूँ मना कर दो इसकी इंग्लिश गलत, और बाद में कभी पढ़ लेता हूँ ना, सेम की सेम लैंग्वेज। करेक्ट, जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, क्योंकि उनकी लैंग्वेज है ही गलत। अभी तक का एक भी एफिडेविट ऐसा नहीं है जो सही लैंग्वेज के साथ आया हो अप्लाइंग के थ्रू, सब ने गलत लिखा है कि हमने आपका पैसा रिटर्न कर दिया है और आप हम पे कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। करेक्ट करेक्ट, समझ ही नहीं आता लोग क्यों नहीं इतना ध्यान देते। ये तो बात प्रॉपर्टी इनसे तो फिर इस हिसाब से कौन भी अपनी प्रॉपर्टियां कोई पता नहीं बैंक बैलेंस कुछ भी साइन करवा लेगा एफिडेविट के बेसिस पे ले लेगा, ये हाल रखा लोग का, बहुत थोड़ा बहुत बुरा हाल करके रखा है लोगों ने, लोगों का संभाल जाओ सारे, सिर्फ क्यूनिटी टॉपिक नहीं है, टॉपिक बहुत सारे हैं, कोई ना कोई आपकी प्रॉपर्टियां पता नहीं क्या क्या आपसे निकलवा लेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, फिर कहां रिफंड लोगे, फिर किससे रिफंड लोगे? करेक्ट, फिर कोर्ट केस लड़ते रहोगे, सामने वाले पार्टी के पास पैसा होगा
आपके पास पैसा नहीं होगा, आप हार जाओगे। थोड़ा प्रैक्टिकली लाइफ में सीखना शुरू करो, मिस्टेक्स हो गई, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। फ्यूचर के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंड यूज करना शुरू करो, क्योंकि जिस इंसान ने आज बिजनेस सोच के क्यूनट में ऐसे डाले थे ना, वो आगे भी गलती करेगा। करेक्ट, 100% करेगा, और ऐसे कर चुके हैं लोग, बहुत सारे लोग क्यूनट के बाद वेस्टीज में फंस चुके हैं, मुझे आए हैं कि वेस्टीज से मेरा पैसा निकलवा दो। करेक्ट, वेस्टीज वाले भी, वेस्टीज से भी लोग अब आपके पास आ रहे हैं कि भाई हमारा वो करवा दो। बायोसेज भरा पड़ा है, ठीक है। अभी एक लेडी मुझसे लड़ने आई है बायोसेज के नाम पे, क्या आप गलत वीडियोस बना रहे हो, नेगेटिव वीडियोस बना रहे हो। मैंने कहा बहन कौन सी वीडियो बना दी नेगेटिव, मुझे टाइम स्टैम्प तो दे दो। मुझे मेरी वीडियो का थंबनेल दे रही है बायोसेज स्कैम ये वो। मैंने उससे कहा ये जस्ट एक कीवर्ड है, थंबनेल में जो लिखा है और ये जो टाइटल लिखते है ना, ये कीवर्ड होता है। पहले मुझे तुझे यूट्यूब सिखाना पड़ेगा, ठीक है। अरे मैं बोला ना पढ़े लिखे नहीं होते, जो क्यूनेट में फंस जाता है ना और क्यूनेट को बचाने की कोशिश करता है बाहर से, वो बायोसेश में है, ठीक है। सब जगह अनपढ़ गवा दे, सब ने सबके बुरे हाल में पड़े। फिर मैंने उसे थंबनेल का समझाया, मैं कहा कीवर्ड होता है, ये अलग टॉपिक है, इसके लिए यूट्यूब सिखाना पड़ेगा, तू ये वीडियो देख अच्छे से, मुझे ये बता दे मैंने बायोसेश को स्कैम कंपनी को कब गलत बोला। नहीं आप बोल रहे हो, मैंने कहा फिर वही बात, मैंने कहा या तो मुझे मेरी वीडियो का टाइम स्टैम्प दिखा, नहीं तो मुझसे बात मत कर। Correct. नहीं आप गलत कर रहे हो, बस एक ही टॉपिक लेके बैठी है, इसका मतलब वहां भी आग लग चुकी है। करेक्ट, अच्छा एक क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं फरीदाबाद टीम एक्सपोज करना सर, अरे आप फोटो तो भेजो भाई। नहीं मैं वो तो ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग खुद से आए। हाँ भाई, हमें दूसरों को ये बताना है कि गलत कौन कर रहा है। करेक्ट भाई, हमारी वीडियो से कोई रिलेट करेगा तो वो अपने आप समझ, अगर मान लो किसी ने बताया कि मैं क्यूनट कंपनी में काम कर रहा हूँ, तुम्हें मिनिमम 50,000 रुपए लगाने हैं, उससे ज्यादा आप 10 लाख लगा सकते हो, ये वो प्रोडक्ट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, बंदे जोड़ने, कुछ भी। उसके बाद अगर कोई मेरी वीडियो से रिलेट करता है, वो क्लाइंट को गलत नहीं बोलेगा, वो अपलाइन को बिल्कुल गलत नहीं बोलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आओ, ये सब दिखाओ वीडियोस फोटोज। करेक्ट, मैं चाह रहा हूँ ये हिम्मत करें लोग। एक एक सेवियर है, सेवियर ने लिखा है मुझे पुणे वाले लोगों को बचाना है। अरे बचाना तो आओ ना वीडियो पे भाई, जब तक तुम कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, तुम क्या सपने देख रहे हो। तुम वही बात है ना, तुम क्यूनेट में भी सपने देखे जो कभी पूरे हो नहीं पाए, उनके फ्रॉड बनाने वाले चक्करों से कभी हो नहीं पाए। करेक्ट, तो अभी भी तुम्हें अगर किसी बंदे को बचाना है तो आगे तो आओ भाई, आगे तो आओ। तुम आओ तो सही, वीडियो लाइव वीडियो करो, साहिल भाई को भेजो sahilmandrita0@gmail.com, वहां पे ईमेल डालो, बताओ सारी चीजें कि मैं लाइव आना चाहता हूँ। हाँ डिस्क्रिप्शन में भी है, मैं लाइव आना चाहता हूँ, मैं लाइव आके मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ अपलाइंस को, फोटोज दिखाओ, वीडियोस दिखाओ, ऑडियो रिकॉर्डिंग दो, मैं सारी चीजें खोद खाद के ला रहा हूँ ना। आज आज मनीष सिंह राजपूत का भी ऑडियो मिला मेरे को, जिसमें वो बोल रहा है कि मेरा अगर बिजनेस प्रूफ हो जाए कि मेरा बिजनेस इलीगल है, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। दिखा दो डीसीपी नॉर्थ का वीडियो, डीसीपी नॉर्थ खुद बोल रही है क्यूनेट बैंड है इंडिया में, इलीगल है। अब सारे पैसे लेने के तरीके मैंने खुद बता दिए तुम्हें यार। अब जाके मनीष सिंह राजपूत के जितने भी विक्टिम है, वो वीडियो दिखाओ, ऑडियो सुनाओ उसको, और बोल पैसे वापस कर मेरे को, आप सारे पैसे वापस कर मेरे को। मैं बता रहा हूँ वो बंदा अपना मर्सिडीज तक बेच देगा आपके पैसे वापस। मैं ईमेल्स नहीं देख रहा था, थोड़ा बिजी स्केड्यूल था, कुछ लेट आ रहा था घर पे, तो जब से मैंने डीसीपी नॉर्थ वाली वीडियो डाली ना, ठीक है, 100 ईमेल आई है मेरे पास, 100 ईमेल इस वीडियो के बाद से। मैं खुद शॉक था, आधे लोग इंस्टाग्राम पे, आधे फेसबुक मैसेंजर पे, सर रिफंड करा दो, सर रिफंड करा दो, सर रिफंड करा दो। मैं तो खुद हैरान हूं कि ये अब लोगों को ये सब देख के ही अकल आने वाली है क्या। मतलब ये शॉकिंग है ये चीज, कि अगर ऐसी वीडियो डालेंगी तो अकल आएगी, उससे पहले अकल नहीं आ रही थी। और मैक्सिमम जितने भी लोग आए ना, 100 में से आप ये मानो 50 लोग वो हैं जो 2 से 3 महीने पहले साइन अप हुए हैं।
अब उनका रिफंड कैसे आएगा? अब मैं वही बताना चाहता हूँ, देखो रिफंड कैसे आएगा, पहली चीज विक्टिम वाली टीम हमेशा देखना, जो टीम ऑन ग्राउंड है क्यूनेट की टीम से हमेशा बड़ी रहेगी। पहली बात तो तुम वहीं पे अपने एक एडवांटेज साइड पे, ठीक है। सेकंड चीज, अगर तुम्हें धंधा शुरू करके एक हफ्ते से एक महीने के बीच में हुआ, कैंसिलेशन रेस कर दो, ठीक है। कैंसिलेशन रेस कर दिया तो ठीक है, अब तुम एक महीने से ज्यादा हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें रिफंड कंपनी नहीं दे पाएगी, ठीक है। अगर कोई रिफंड दे सकता है तो वो तुम्हारे अप्लायंस, वो रिफंड दे सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, 5, 10, 15, 20 लोग, सिर्फ 5, 10, 15, 20 लोग यार, सिर्फ इतने लोग ही मिलो, मिलो साथ में और लेटर लिखो हिंदी में, और लेटर जो लिखोगे तुम SHO थाना प्रभारी इन सब के, इन सबको करके करो, नाम लेके करो, और बना पूरा लेटर अच्छे से, और ये सारा लेटर लेके बल्क में पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दो कंप्लेन के फॉर्म में, कंप्लेन रजिस्टर कर लो। 5, 10, 15, 20 एक ही चीज को लेके कंप्लेन आएगा ना, तो पुलिस उस चीज को लेके सख्ती से उस चीज पे कार्रवाई करती है। अगर एक आदमी जाएगा ना, एक आदमी जाएगा बोलेगा कि मेरे दोस्त ने मेरे से पैसा लिया, 5 लाख रुपए, बोला मैं तेरे धंधा बना दूंगा, करोड़पति बना दूंगा, वो पुलिस वाला भगा देगा। क्योंकि भाई तुम्हें एक समझना चाहिए, पुलिस वाले जो होते हैं ओके, उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, सीनियर का प्रेशर होता है, डिपार्टमेंट का प्रेशर होता है, ह्यूमन राइट्स एनजीओ का प्रेशर रहता है, बहुत सारे प्रेशर रहते हैं। और वो लोग सॉल्व करते हैं भाई, जैसे मर्डर हो गया किसी का, या बहुत बड़ी चोरी चकारी हो गई, डकैती हो गई, गैंग वॉर होते हैं, सारी चीजों में वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। अब तुम सोचो कि मैंने अपने दोस्त को पैसा दिया है और तुम जा रहे पुलिस वाले के, पुलिस वाला भगाएगा आपको, वो नहीं करना चाहता, इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ बल्क में जाओ, बल्क में 5, 10, 15 अपनी टीम बनाओ, और टीम बना के डायरेक्टेड जाओ उसमें, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाओ, टेलीग्राम चैनल्स बनाओ, और उसमें एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहो, और प्रॉपर अच्छे से लेटर्स बनाओ। लेटर लिखने का भी टेंशन नहीं भैया, तुम चैट जीपीटी से प्रिंट करवा लेना यार, चैट जीपीटी को बता देना मेरे पास ऐसा ऐसा पैसा गया है और ऐसा ऐसा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंप्लेन में नाम किस किस का डालोगे, ठीक है, कंप्लेन में अपने रेफरल का नाम डालो सबसे पहले, जो बिजनेस में एक्टिव है, जो बिजनेस एक्टिवली कर रहा है। सेकंड, उसके LS अपलाइन का नाम डालो, LDC अपलाइन का नाम डालो, और CTC अपलाइन का नाम डालो, चारों का नाम डालो, क्योंकि यहीं से ट्रैवल करता है। वर्किंग अपलाइन भी, हाँ वर्किंग अपलाइन भी LS या LDC में से एक होगा। हाँ मतलब आजकल फैड वालों को बना दिया, एक फैड जो है ना इससे नीचे होता है उनको वर्किंग अपलाइन बना दिया इन्होंने, क्योंकि इनके पास टीम तो बची नहीं है, तो जो उनका भक्त है अपलाइंस का वही आजकल वर्किंग अपलाइन है। आपके उधर फैड चलता है, हमारे इधर LS चलता है। नहीं, LS से फैड बाद में शुरू हुआ था। अच्छा, बाद में शुरू हुआ। जैसे LS एक तरह से 7 active DRs है, काइंड ऑफ, ठीक है, फैड हो गए 5 active DRs। अच्छा, इससे पहले रवि मिश्रा करवाता था F4 का, जिसमें आपको 4 active DRs चाहिए। हाँ, F4। नहीं, वो तो जस्ट एक वो था ना कि F4, ये F2, ये सब चलता था। नहीं, F4 कैंप रखता था, कैंप का नाम ही होता था F4 कैंप। अच्छा, जिसके, हाँ, जिसके 4 DR होते थे उसको F4 कैंप में ले आके ब्रेन वॉश करते थे उसको। फिर बाद में फैड कर दिया था इसका, इसका मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रही अभी, बट हम इसको बोलते थे वहां पे 5 active DRs। ओके। आपका देखो, आपका तो वर्टिकल अलग है ना, आप तो ब्रिजेश, हम लोग तो इधर ये कविता के डाउन से आते हैं ना, तो उसमें से काफी डिफरेंट रहेगा। तो मैं वही बताना चाहता हूँ, मैं सबसे वही बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइज हो जाओ यार, साथ में आओगे डर भी कम लगेगा। पुलिस स्टेशन में अकेले जाओगे तो ज्यादा डर लगता है, और पुलिस स्टेशन और वहां पे जो पुलिस ऑफिसर उसका दिमाग खराब होगा तो भगा देगा आपको। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5, 10, 15 MLM कोई मुद्दा नहीं है ना, MLM पुलिस वालों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, या तो वो खुद फंसे, हाँ, बट सब फंसेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, गारंटी बट MLM उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, देखो जैसे लोग संगठित होते हैं, जैसे देखो अगर मैं बोलूं रोहतक बाईपास वाला जो इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे मारपीट हो गई, चाकू वाकू चल गए, नवी सिंह फंस गया उसमें, वो कैसे हुआ? 5 लोगों ने मिलकर सोचा भाई अब इनकी बजानी पड़ेगी, उन लोगों ने बजाई, बवाल खड़ा हुआ, नवी सिंह पकड़ा गया। फिर उसके बाद ये जो है जयपुर वाला,
जयपुर में भी उन लोगों ने किया, केस किया सबने, अकेला नहीं था जयपुर में भी काफी सारे विक्टिम्स थे। हाँ, काफी सारे विक्टिम, वही बोल रहा हूँ, काफी सारे विक्टिम साथ में आए, ऑर्गेनाइज हुए, उन लोगों ने किया, उन लोगों ने किया। उसके बाद देखो डीसीपी नॉर्थ ने जाके उनकी बजाई है अच्छे से। अभी तो और उनके बड़े अप्लायंस की भी छानबीन होनी है। हाँ, बोला है डीसीपी नॉर्थ ने, बोला ये विनोद के ऊपर वाले जितने, विनोद का रेफर कौन, मैंने भी दिखा, देशराज ख्यालिया, देशराज ख्यालिया के ऊपर कौन आता है, मनीष सिंह राजपूत आता है। अब इनफैक्ट अब एक चीज होने वाली है, जयपुर पुलिस ने जो किया है ना उसके थ्रू दूसरी पुलिस एक्टिव हो जाएंगी। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि जयपुर में इस टाइम इलेक्शंस भी होने वाले हैं, ठीक है, और इसके बाद जयपुर के बाद नेक्स्ट ईयर लोकसभा इलेक्शंस हैं, हरियाणा के इलेक्शंस भी हैं, तो नियर बाय काफी स्टेट्स में इलेक्शंस हैं लोकसभा के साथ साथ, तो ये उछलेगी बात तो जरूर। और मणिपुर वाले विक्टिम्स ने तो अपना वेलफेयर एसोसिएशन ही बना लिया ना, अब उनको तो डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज तक कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, विक्टिम्स जब साथ में आएंगे ना तभी आप ना वो अपलाइन को पकड़ सकते हो। अगर आपको जानना है, मैं वो दिखाऊं क्या सारे वी काउंसिल्स का लिस्ट? हाँ दिखाओ, दिखाता हूँ, रुको एक समय, फिर क्वेश्चंस भी लेने हैं, वो भी जरूरी है। एक सेकंड, क्योंकि मैं छोटे वाला ही दिखा रहा हूँ सारे वी काउंसिल्स, क्योंकि ये लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं बिजनेस में, ठीक है। आप वेबसाइट में जाओ, ये देखो द वी करके दिखाता हूँ, आप जाओ, डालो वी एम्बेसडर्स, ये वी लिमिटलेस आएगा, ये वी एम्बेसडर्स में जाओ, नीचे जाओ, ये रहा वी काउंसिल्स वाला, क्योंकि ये लोग ज्यादा एक्टिव है। ये देखो पूरा लिस्ट, ये देखो इंडिया में कौन एक्टिव है, बाहर कौन एक्टिव है, वो सारे सारे अपलाइंस, अपार मलिक, अतर सिंह मीना, अब देखो ये देखो, मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ, रुको एक सेकंड, ये रहा एक, ये रहा गौतम दुरु वी काउंसिल, ये 10-12 साल से वी काउंसिल में ही पड़ा हुआ है, ये भी कुछ ग्रो कर नहीं रहा है, प्लान व्लान बिठाता है नहीं, 5+3 करता है नहीं। ये देखो कृति जायसवाल, ये देखो कृति जायसवाल, ये रहा मिदुलाज दुबई की टीम से, ये रहा प्राणेश्वर प्रसाद श्याम, ये देखो रवि मिश्रा, देखो उसकी फोटो उसके वाइफ के साथ नहीं है, ये देखो ये फिर कपल्स भी है। तो इस तरीके से ना, अगर आप ये सारी चीजें प्रूफ है कि क्यूनेट में कौन लोग आज के टाइम में बड़े लेवल पे है और आज के टाइम ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में, तो यही है, यहीं से अगर आप निकालोगे ना नाम, यही तो सारे वर्टिकल्स है जहां पे सब स्कैम्स चल रहे हैं। बस एक बार मैं बस वही चाहता हूँ, विक्टिम्स अगर साथ में आ जाए और कंप्लेन फाइल करें, है ना, ये तो बल्कि अब यूज करने वाली बात है, ये जो न्यूज है इसकी तो अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए इलेक्शन से पहले। करेक्ट, अगर आपको रिफंड चाहिए एक्चुअली तो मिलके आपको करना पड़ेगा ये कार्रवाइयां, मिलके आपको सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा कुछ टाइम के बाद। हाँ, अभी आग लगी है, आपको यूज करनी पड़ेगी, और अब आपकी चॉइस है। अभी जिसने, जिसके भाई ने जो जयपुर पुलिस में है, मैंने जो रिक्वेस्ट करी है, जिन्होंने ये पकड़ा टीम को, ठीक है, वो भाई था जो फंसा, तो चलो अपॉर्चुनिटी बनाई। हाँ, सबके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, सबके तो भाई बहन परिवार में पुलिस में नहीं है या फिर पॉलिटिक्स में नहीं है, सबके तो कहीं ना कहीं नहीं है ना ऐसी चीजें अपॉर्चुनिटी, इसलिए समूह बनाना पड़ेगा, ग्रुप में विक्टिम्स को वहां जाना पड़ेगा और कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, और क्यूनेट में भी कंप्लेंट डालो ताकि कंपनी भी तंग हो जाए कि हो क्या रहा है इंडिया में। हाँ, वो बहुत जरूरी है, उसको मिस नहीं करना, रिजल्ट आए ना आए हमें नहीं पता, बट कंप्लेन डालो क्यूनेट को, ताकि कल को आप मान लो कोर्ट केस करते हो सारे मिलके, कोर्ट आपसे पूछेगा आपने कंपनी को बताया, आप क्या कहोगे, नहीं मना कर दोगे,
आप ये तो कह सकते हो हमने कंपनी को 100 ईमेल डाली थी, ये हमारे पास प्रूफ, कंपनी ने हमें जवाब नहीं दिया। अरे मैं तो बोल पाओगे, अरे नेटवर्क इंटीग्रिटी में भाई फ्लड कर दो अपनी ईमेल्स, सब उसमें मालूम है। देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, नेटवर्क इंटीग्रिटी को आप भेजोगे ईमेल, उसमें स्पेसिफाई करना क्या हुआ आपके साथ, क्या किया, किसने क्या किया, सब नाम वाम डालो, फिर वो आपको एक फॉर्म भेजेंगे, फॉर्म अच्छे से फिलअप करके सब कुछ भेज देना। मैं बता रहा हूँ ये आपके पास एक बहुत बड़ा प्रूफ रहेगा कि क्यूनेट ने अपनी तरफ से इस क्रिमिनल को उसने शील्ड करने की कोशिश करी है। आपके बहुत बड़ा एक केस बन जाता है। आईडी टर्मिनेट हुई आपकी, तो वो आपका एक रिवेंज है, ठीक है। और अगर नहीं होती तो पता लग जाएगा क्यूनेट बचा रहा है, फिर क्यूनेट बचा रहा, करेक्ट। तो दोनों तरफ से हमें बात को रखना है ना। तो क्यूनेट का जो डिपार्टमेंट उसने खुद ने दिया है, वो हमने नहीं बनाया, वो उसने खुद ने दिया डिपार्टमेंट, हमें फैसिलिटी दी है, तो उसको यूज करो ना। नेटवर्क इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट में भर भर के ईमेल डालो। देखो पुलिस वालों से जाने से पहले नेटवर्क इंटीग्रिटी को तो ईमेल डालो ही डालो, बिल्कुल, कि हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, और वो जो फॉर्म भेजते वो भी फॉर्म भर के उनको भेजो। अगर वो लोग नहीं ले रहे एक्शन, पुलिस वालों के पास जाओ सब मिलके और उड़ा दो भाई क्यूनेट को एकदम, मतलब जड़ से उखाड़ना। अभी देखो जयपुर वाला जड़ तो उखाड़ दिया, पर ऑल ओवर इंडिया बहुत जगह इनके जड़ अभी भी मजबूत है, सब उखाड़ना एक एक करके। बिल्कुल राइट। और बात ये कि देखो सबको सबको मिलके करना पड़ेगा ये चीज, क्योंकि इजी नहीं है ये। आपके अपलाइन आपको बांटने की कोशिश करेंगे, आपके अपलाइन आपको फोन करके बोलेंगे बिजनेस में एक्टिव हो जा, कुछ नहीं सुनना अपने अपलाइन की, कुछ भी नहीं। आपका अपलाइन आपसे दिन रात जब से आप बिजनेस में घुसे हो तब से आपको झूठ बोल रहा है, आपका अपलाइन भरोसे लायक है ही नहीं। Never trust your appliance. Never ever, never ever trust your appliance. Because your appliance are a snake. ये आपने अपना नाम लिया था दिव्या तामाने, ताम ऐसे कुछ है ना? हाँ, क्या नाम है? ताम हाने। हाँ, दिव्या तामाने। इसका एक का कमेंट आया रोहन करके लास्ट में, दिव्या तामाने is pissed off now. लास्ट कमेंट रोहन देसाई, दिव्या तामाने इज पिस्ड ऑफ नाउ ऑडियंस। चलो इसका मतलब भाई, भाई कल्याण को जानते होगे, तुम प्राणी का छोटा भाई है। चलो एक मिनट क्वेश्चन लेते हैं, उसकी रिपोर्ट निकलवाई है 3 करोड़ के लोन में। अच्छा कल्याणेश्वर प्रसाद श्याम, कल्याणेश्वर जो है वो प्राणी का छोटा भाई है और बिजनेस में एक्टिव है वो, तो किसी ने उसका रिपोर्ट निकलवाई और बोला 3 करोड़ के लोन में है वो, 3 करोड़ रुपए का लोन दिया। आप सोचो मतलब मतलब वही है, ऊंचा दुकान फीका पकवान। चलो अब ना कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर ना इसको एंड करेंगे, ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है। तो आप भी एक बार क्वेश्चंस लो अपनी साइड से। दीप केआर करके कह रहे हैं, अपोलो जसोला मेट्रो स्टेशन के पास जो पैसिफिक मॉल है वहां पे क्यूनेट वाले मतलब एक तरह से वहां बैठते हैं, ये एक अड्डा है जसोला मेट्रो स्टेशन, ध्यान रखना है सारे, ठीक है। और क्वेश्चंस लेते हैं next. एक है सर, मैंने 25 को पैसा दिया, 26 एंड 27 में इंडिया और ग्लोबल में रिफंड डालकर कोलकाता से घर आ गया, अब आगे क्या करूं सर? ग्लोबल के कस्टमर केयर पर कॉल करूं या मेल का वेट करूं? मेल इसने तो डाल दिया ना कैंसिलेशन का एक ही दिन में, मेल डाल दिया है, रिफंड का अप्रूवल आ गया है, तो आपको बस वेट करना है और फॉलो अप लेना है। लोग सोचते हैं कि हर दिन उनको ईमेल चाहिए, हर दिन चाहिए कि कोई उनको बताता रहे, ऐसा नहीं होने वाला। ये कोई बहुत बड़ी टेक्निकल कंपनी नहीं है जो आपको 2 दिन में रिफंड दे देगी, ये फ्लिपकार्ट अमेजोन की तरह नहीं है जो एक एक हफ्ते में रिफंड आ जाते हैं। इनका प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा टफ है, तो प्लीज अप्रूवल लेना सबसे पहली प्रायोरिटी है। अप्रूवल आ गया, 1 से 2 महीने तो मिनिमम लगेंगे कम से कम, और INR वाला तो प्रोसेस काफी लंबा हो चुका है क्योंकि ईडी की रेड की वजह से। मोहित जी कह रहे हैं एफिडेविट रिफंड का प्रोसेस थोड़ा सा और बताओ सर। चलो मैं आपके लिए बताया तो बाकी सबके लिए फिर से प्रोसेस बता देता हूँ। क्यूनेट
कि जो INR के रिफंड है, जिसका बिल था INR इंडियन रुपीस, उसका रिफंड नहीं आ रहा जनवरी 2023 से। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ईडी की रेड बढ़ी थी, सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, यानी ब्लॉक कर दिए थे, तो क्यूनेट पैसा बाहर नहीं भेज सकता। तो अभी सितंबर के आसपास समझो या अगस्त के आसपास, इन्होंने एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाला है। अप्लायंस के थ्रू एक एफिडेविट बन के आ रहा है आप लोगों के पास, अप्लाइन आपको एफिडेविट दे रहा है जिसमें इंग्लिश गलत लिखी हुई है कि अप्लाइन ने आपको पैसा रिटर्न कर दिया है। अब अप्लाइन आपको बोलता है ये आप एफिडेविट साइन करके दोगे तभी मैं पैसा आपको वापस करूंगा। अगर अप्लाइन स्टेटमेंट पे आ जाता है तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला करना है, पुलिस के पास जाने की बात करनी है उससे। अगर वो उसके बाद भी नहीं डरता और नहीं मानता तो पुलिस के पास जाना ही जाना है। सिंपल सा लॉजिक है, पुलिस के पास जाओ, पुलिस से बोलो इसके पास मेरा पैसा पड़ा, ये मुझे पैसा रिटर्न नहीं दे रहा। पुलिस उसको बुलाती है, वो अगर एफिडेविट की बात छेड़ता है तो उसको पुलिस स्टेशन बुलाओ, बोलो मैं पुलिस के सामने एफिडेविट साइन करूंगा, इसकी लैंग्वेज को पुलिस के सामने पढ़ूंगा, या तो इंग्लिश सही करो या मेरे पहले पैसे रिटर्न करो फिर मैं ये एफिडेविट साइन करूंगा। तो ये प्रोसेस है। आपको कोई और क्वेश्चन दिख रहा है? और थोड़ा मैं ऊपर जा रहा हूँ थोड़े क्वेश्चंस लेने के लिए, थोड़ा ऊपर की तरफ। आप लोग प्लीज कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो तो रिपीट कर दो। रिफंड का मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हो। अच्छा, मैंने वीडियो में बताया था हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी डालो, पुलिस ब्यूरोक्रेट्स की वीडियो देख ट्रस्ट हो जाता है। हैदराबाद पुलिस ने कुछ हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने ये कोई वी काउंसिल पकड़ा है? नहीं नहीं नहीं, कमिश्नर का नाम है शायद वीसी सज्जन, मैं थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करता हूं। ये वो है जो अभी शिफ्ट हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में चले गए हैं, ये हैदराबाद पुलिस में ही थे जिनकी वजह से वो एफआईआर नहीं हुई थी। अच्छा, ये वो है, इनके ट्वीट भी आते हैं, आज भी इनके ट्वीट आते हैं एमएलएम को लेके। आजकल ये ना इनको शिफ्ट कर दिया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, ठीक है, शिफ्टिंग चलती रहती है। जो भी कुछ लॉजिक पीछे से, वो तो देखो रियलिटी नहीं पता। तो आजकल ये अपने जो ट्वीट वगैरह करते हैं ना, वो एक्सीडेंट से रिलेटेड करते हैं कि एक्सीडेंट में सेफ रहो, एक्सीडेंट ना हो, बेसिकली ट्रैफिक कंसर्न्स के ऊपर वीडियो ट्वीट वगैरह करते हैं ये आजकल। तो पहले ये एमएलएम के ऊपर करते थे, बट इनका प्राइमरी मोटिव क्यूनेट ही है, ये मैंने देखा इनका। इन्होंने बहुत पीछे पड़े हैं एमएलएम के पीछे ही। है बहुत सारे पुलिस वाले हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे जो फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर्स है ना, वो लोग है क्यूनेट के पीछे पड़े, हमें ना उनको बहुत सपोर्ट देना पड़ेगा। और वही है, उनके जो इन्वेस्टिगेशन है और सारी चीजें है ना, उसको बहुत ज्यादा हमें उसको फास्ट ट्रैक में लाना पड़ेगा, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज नोन एज जस्टिस डिनाइड। हम जितना ज्यादा जस्टिस को डिले करते जाएंगे ना, लोगों को उतना जस्टिस मिलेगा नहीं। प्रवीण जी ने पूछा है, पैसे किसके अकाउंट में आएगा? सर पैसा जो खरीदा गया प्रोडक्ट उसी के अकाउंट में आएगा, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, ये ई कॉमर्स पॉलिसी है। तो उसके लिए आपको क्यूनेट का वेट करना पड़ेगा, वो आपसे बैंक डिटेल मांगेगा या नहीं मांगेगा। मुझे ऐसा लगता है लोग ना इतने ज्यादा पैनिक होते हैं कि वीडियोस को ढंग से देखते नहीं है। मेरी जो एक रिफंड प्रोसेस की वीडियो है ना 2023 में, जिसमें मैंने लगाया हुआ है, उसमें 12 क्वेश्चन के आंसर दिए। उसमें मैंने प्रॉपर बताया कि रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 0.0, उसके बाद परचेज रिसिप्ट, INR, USD। मुझे लगता है या तो लोग वीडियो नहीं देखते प्रॉपर, या पैनिक ज्यादा है, कुछ तो दिक्कत है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा किसके अकाउंट में आएगा, ये उसमें आंसर है, सही है। वो भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। एक है इसने डाला है, सुमन पॉल, लक्ष्य श्योरन, लगन श्योरन, अमित मान, ये नोएडा के एरिया के अप्लायंस है और सबसे ज्यादा स्कैम्स कर रहे हैं। देखिए सुमन पॉल का भी खोलना पड़ेगा पोल पट्टी, सुमन पॉल, प्रदीप सिंह रावत, परस्वर ज्योति तामुली, दुर्गा प्रसाद दत्ता, दिवोय राज, कैप्टन, वो कैप्टन देवोजीत, इन लोगों का भी हमारे पोल पट्टी खोलना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग बताओ सर,
रिफंड जो मोहित गोस्वामी रिफंड रिगार्डिंग बताओ सर। देखो वही है, मैं फिर से बता रहा हूँ, साहिल भाई का रिफंडिंग का पूरा प्रोसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो वीडियो आप जाके देखो। नेवी में नहीं, ऑल फोर्स में भी सीन्स हो रहा है, हाँ सब जगह हो रहा है, पूरा डिफेंस है, पूरा फंसा पड़ा है सब। तो मेरे को लगता है अभी थोड़ा एंड करना चाहिए इसको। बेसिक सी क्वेरी में फिर से बता दो, किसी ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, मेरे रिफंड प्रोसेस की वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप वो देख लो। 12 क्वेश्चंस के आंसर किए हुए मैंने, उसमें बहुत इजीली क्या करना है आपको पता लग जाएगा। अच्छा एक चीज बताऊं मैं, जी जी एक चीज बताऊं, शालिनी पांडा दिख नहीं रही है। शालिनी पांडा कहां गई बे? वो करवा चौथ मना रही होगी। करवा, अरे अपलाइन मर गया, अब क्या करवा चौथ मनेगा बे? कल की तैयारी कर रही होगी शालिनी पांडा, मतलब क्या यार। सॉरी ये तो मेरी मिस्टेक हुई, क्योंकि अपलाइंस तो कहते हैं चार साल कोई त्योहार भी नहीं मनाना। सॉरी वही लोगों से बात होती है ना, लोग मेरे को यही बताते क्या साला अपलाइन ने साला दिवाली नहीं मनाना, ये दशहरा नहीं मनाना, दुर्गा पूजा नहीं मनाना, होली नहीं मनाना, रक्षाबंधन घर पर मत जाना। अरे भाई हर चीज से रोकता था वही चीज, चार साल कुछ नहीं, पांच साल कुछ नहीं, बीमार भी पड़े दवाई लेके आ जाओ, बीमार होने का हक भी नहीं। एक्सीडेंट हुआ था किरण और मेरा, एक्सीडेंट हुआ था भाई, दूसरे दिन आ जाओ सब, आ जाओ अप्लाई नहीं, सारे पीओए आ जाओ, मैं लंगड़ाते लंगड़ाते पीओए क्या होता है। मेरी तो बहुत बुरी हालत थी, मैं कहीं बैठू तो मेरा सारा रेफरर मेरे पे बोलता था, अरे तुझको कुछ नहीं हुआ, नौटंकी कर रहे तू। मतलब तूने कल देखा भी था रास्ते में कैसे पड़ा हुआ था मैं, तो थोड़ी सी भी मतलब थोड़ी सी भी दया नहीं आती कि भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ। इतने झूठे हैं, हमारे जब सेमिनार संडे सिस्टम चलता था ना, तो एक अपलाइन मुंबई गया होगा, ठीक है, मुंबई जाके ना वो फिल्म सिटी में चला गया होगा, वहां जाके दो चार फोटो वोटो खिंचवाई, वीडियो बनाई, समथिंग समथिंग, यहाँ पे संडे सिस्टम में दिखा रहे हैं, अपलाइन देखो मुंबई पहुंचा, फिल्म सिटी पहुंचा, ठीक है, वहां जाके देखो अब अगली मूवी में जरूर आएगा, या ये गुड़गांव के साइबर में बैठ के रात को 1 बजे प्लान लेता है। 5 साल हो गए इस बात को, यहाँ पे साइबर में प्लान ले रहा है, और प्लान ही लेते रहेंगे वो लोग, और कुछ कर भी नहीं सकते। इतना बुरा हाल है, इतना फेक, बहुत फेक है, पंती चल रही है, हैबिट पड़ चुकी है, हैबिट पड़ चुकी है फेक करने की। नई जैसे दुनिया होती है ना, नई नई चीजें निकालते है, डिस्कवर करती है, ये तो फेक कैसे करना है वो डिस्कवर करते हैं, कैसे झूठ बोल रहा है, नए नए कॉन्सेप्ट निकालते हैं। मैं जब बिजनेस में था तब मैं ना क्यूनेट की पुरानी पुरानी वीडियोस बहुत निकालता था, और मेरे को कुछ लोग मिले जो लोग 2004 या 5 6 इस टाइम फ्रेम में ये लोग जाते थे, उस टाइम का भी मैंने देखा था, वो लोग उस समय भी लोग वीकॉन जाते थे, सारी चीजें जाते थे, तो मैंने उसका चैनल देखा, मैंने वीडियोस देखी, वीडियोस देखा कि भाई 8 10 12 साल पुरानी पुरानी वीडियोस है, तो मैंने सोचा ये बंदा भी एक्टिव होगा एटलीस्ट, क्योंकि उस समय ये वीकॉन गया था उस टाइम, तो देखा कि भैया चैनल में लास्ट 10 सालों में 1 वीडियो अपलोड नहीं है, मतलब वो बंदा भी धंधा क्विट करके चला गया। ये उस समय से चल रहा है, और जैसे देव वाधवानी बहुत पुराना अपलाइन है, वो बंदा भी एक टाइम में बहुत ग्रो किया था, उसके भी बहुत सारे डीआर है, एक प्रज्ञा प्राची देसाई करके एक है, नहीं मिशेल देसाई करके, उसके बहुत पुराने पुराने वीडियोस है, मतलब वो पुराने जो थे कैम कॉर्डर वाले जो वीडियोस होते थे वो अपलोडेड है, वो सारे अपलाइंस भी गायब है, वो भी उनका कुछ नहीं पता कि वो कि वी काउंसिल बने हैं या कोई वी पार्टनर बने, कुछ नहीं, सब गायब है। धंधे में कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ आज तक, कोई 25 साल हो जाए 26 साल हो जाए कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, अरे जब तक पद्मन सेनाधि राजा ही रिटायर नहीं कर रहा। नहीं नहीं ये क्या पता नहीं तरीका दिखाते हैं, भाई ने लंबोर्गिनी ले ली, 25 साल से कंपनी चल रही है, अरे भाई साहब मैं तो तेरे नाम पे ज्वाइन कर रहा हूँ ना, तो तू मुझे अपना स्टेटस बता ना, या तो मुझे बोल दे कि मैंने कल ज्वाइन किया है, आज मैं तेरा साइन अप कर रहा हूँ, तेरे साइन अप करने से मुझे कमीशन मिलेगा, तू क्लियरली बोल दे।
उसने लेम्बोर्गिनी ले ली तो मुझे क्या दिखा रहा है, 25 साल से कंपनी चल रही है वो मुझे क्या दिखा रहा है, लाखों रुपए ये नहीं कोई बताएगा। और लोग सोच, देखो आज के टाइम में जैसे हम देखते हैं कि उसने गाड़ी ले ली, अभी श्रद्धा कपूर ने बड़ी गाड़ी ली, ठीक है पूजा पाठ हो रहा है सब कुछ चल रहा है, वो गाड़ी अचीव करना इतना आसान नहीं है, करोड़ों की गाड़ी है, बट हमें पता है उसने कैसे ली। बॉलीवुड इंडस्ट्री, वहां करोड़ों रुपए भी मिलता है आपको मूवीज करने का, करेक्ट, वो अचीव हो सकती है, ठीक है। क्यूनेट में अचीव किया होगा तो दिखा दो ना भाई, दुनिया बोलती है तुम्हें उठा उठा के कि तुमने ईएमआई पे गाड़ी ली, तुमने अगर सच में वन हैंड वन शॉट लिए गाड़ी तो दिखा दो ना, दिक्कत क्या है? अब तुम ये सब रियलिटी नहीं दिखा रहे तभी तो लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तुम्हारे पे। अरे रिसेंटली मेरा जो कोई तो एक है डाउनलाइन, वो मनीष की गाड़ी पे ही बात हो रही थी, है ना, तो मेरे को क्या बोलता है, मैंने बोला उसको अरे ईएमआई पे लिया होगा, वही किस्तें भर रहा होगा, बोले कि जब पता है जब गाड़ी हम लोग डिलीवरी लेने गए थे ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मालूम है जितनी एक क्रेटा की कीमत होती है ना उतना उन्होंने डाउन पेमेंट डाला। तो मैंने बोला भाई साहब लोन लेने के लिए, लोन अप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको डाउन पेमेंट ही देना पड़ता है, अगर मनीष सिंह राजपूत ने डाउन पेमेंट दिया है इसका मतलब वो अभी तक किश्ती भर रहा गाड़ी का, मतलब क्या ये नहीं दिखा सकते, ये रियलिटी बता ही नहीं सकते क्या बोले। सच में अगर ये सिस्टम को सही से बताते हैं ना कि भाई मैंने ऐसे लिए वो लिए, तू मेरे पे ट्रस्ट करके पैसे दे रहा है तो बात खत्म, तू आगे ये बात रियलिटी है, अभी भी तू ट्रस्ट कर, सामने वाला करेगा ट्रस्ट करेगा, ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है ये धंधा और किसी चीज पे चलता नहीं है, या तो ब्लाइंड ट्रस्ट करो या तो ट्रस्ट करो ही मत बिल्कुल भी। और मैं बोल रहा हूँ ना भाई किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, you should always be scientific and logical about everything that you do in your life. आपको conscious होना पड़ेगा यार, आपने business join किया compulsion की वजह से यार, आप compulsion थे, आपको अपना job पसंद नहीं था या आपको current scenario अपने life को पसंद नहीं था, इसीलिए तो आपने धंधे में गए ना, ऐसा थोड़ी था आप एकदम success में थे, सब इसको नहीं ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि आप merchant navy में हो, ठीक है आपने मुझे 100 बार बोला मेरे साथ मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ले बहुत पैसे हैं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं जबरदस्ती ज्वाइन करके तो मैं बोलूंगा ना मेरे साथ गलत हुआ। या मैं अगर मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मैं जबरदस्ती आपको डॉक्टर बनाना चाहूँ तो नहीं पॉसिबल ना, पॉसिबल नहीं है ना। मैं कहूंगा डॉक्टर कर ले, उसके बाद देखो तेरी स्टार्टिंग ही 1 लाख रुपए, ये थोड़ी तरीका हुआ, सामने वाले का इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, करेक्ट, ये लॉजिक्स ऐसे सोचो ना, सारे सोचते नहीं है ट्रस्ट बेसिस पे, हाँ जी करना है जी बिजनेस करना है, बिजनेस का मतलब नहीं पता, बिजनेस करना है, व्हेन देयर इज नो लॉजिक मैजिक हैपेंस। ढिंडोरा पीटती थी कितना कृति, कितना बिजनेस में ढिंडोरा पीटती थी कि लॉजिक मत लगाओ, ये तो मैजिक नहीं होगा, ये बस इसका यही चलता रहता था। हाँ भैया तुम्हारे लाइफ में मैंने भी देखा था, मैंने भी देखा था, मेरे को बड़ा मजा आया देख के, हाँ वो वीडियो, हाँ जैसे तुम लोग सब बैठे हो, अरे भाई तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, क्या कर रहे हो यार, वो वीडियो देखना है क्या, गरीबी में इतना पैसा क्या करोगे यार, क्या करोगे इतना पैसा, गरीबी में जियो, बहुत तकलीफ होती है, इधर घूमना पड़ता है उधर घूमना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में आना पड़ता है, स्पीच देनी पड़ती है, मोटिवेशन देना पड़ता है, वो एक सीन रहता है ना उसमें कि प्रतीक जायसवाल अपना वॉलेट निकालता है दिराम फेंकने लग जाता है, तो वो दत्ता क्या बोलते हैं वो जो है दुर्गा प्रसाद दत्ता वो सारे पैसे उठा लेता है, अरे अरे तेरे पैसे गिर गए। तो भाई ये लोग सब पागल है, इनको और वीडियो भी ढंग से बनाया नहीं है उन लोगों ने, जबरदस्ती की, अरे
स्क्रिप्टिंग वही स्क्रिप्ट वही वाली स्क्रिप्ट है ना लोकल वाली जोकर वाली पूरी स्क्रिप्ट है लोकल लोकल उम्र में जोकर बन गए चलो आज की वीडियो को एंड करते हैं फिर नेक्स्ट करेंगे वी सेल अपना अपना वी सेल ठीक है तो सारे जाग जाओ थोड़ा कब तक सोते रहोगे थोड़ा सा जाग जाओ अभी सोते रहोगे मगर वैसे जाग जाओ लाइफ में तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि जो आपके तो यार मेहनत के पैसे है ना यार ऐसा तो है नहीं आप किसी जुए में 100 रुपए लगाए और आपको 1.5-2 लाख रुपए लग गए और वो आपने क्यूनेट में डाल दिया ऐसा तो नहीं किया होगा ऐसा तो है नहीं कि आपके मतलब बिस्तर के नीचे पड़े हुए थे 1.5-2 लाख रुपए और आपने ऐसे निकाल के क्यूनेट में डाल दिया आपकी मेहनत की कमाई थी यार जो कि उन लोगों ने ट्रस्ट के बेसिस पे आपसे चोरी कर ली ट्रस्ट के बेसिस पे आपको चोरी कर ली उसने आपको बताया नहीं उसने आपको अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाया उसने आपको ये भी नहीं बताया कंपनी कौन सी पैसे ले लिया आपसे बस तो इट इज हाई टाइम नाउ आप सब ऑर्गेनाइज हो जाओ छोटे छोटे ग्रुप्स बनाओ यार मैं तो वही बोला आज कोई वीडियो देख के सोच रहा ना मैं तो पुलिस के पास जाऊंगा यस आप पुलिस के पास जाओ और मिनिमम 5-10 और विक्टिम से बात करो कौन आपके साथ आ सकता है 2-3 या 4 भी हो जाए ना तो भी आप सब एक कंप्लेंट डाल दो एक साथ सबसे पहले मैं वही बोला सबसे पहले नेटवर्क इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट में डालो मेल वो फॉर्म भेजेंगे फॉर्म फिल करके भेजो अगर एक्शन लेते तो ठीक एक्शन नहीं लेते तो आप पुलिस के पास जाइए जाइए पुलिस के पास बिल्कुल चलिए तो नेक्स्ट वीसेल में मिलेंगे ठीक है और मेरे को लगता है देखो मैक्सिमम क्या रिफंड की क्वेश्चन है एफिडेविट वाले तो उसका आंसर मैं बहुत बार दे चुका हूँ इस वीडियो में भी दे दिया है इसके अलावा क्वेरी आप देख सकते हो सारी वीडियो अवेलेबल एक बार प्लेलिस्ट ओपन करो क्यूनेट रिफंड प्रोसेस आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको सारे आंसर मिल जाएंगे ज्यादा सर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसका फॉर्मेट उसके 12 क्वेश्चन उसके दूसरी पॉलिसी सब मिल जाएगा तो प्लीज उसको देखो और मुझे उम्मीद है आप लोग रिफंड लोगे और लाइफ में आगे बेहतर बनोगे चलो बाय टेक केयर एवरीवन चलो बाय टेक केयर गुड नाइट जय श्री राम